this channel is for education purpose and we do not recommend you to buy or sell any stocks before investing in our predictions please take advice from your financial advisor we are not responsible for any of your profit and losses so वेरी गुड इवनिंग गाइज वेलकम बैक टू आर जनल फिनवेस्ट है आप सभी के ट्रेडिंग डेज अच्छे जा रहे होंगे अगर नहीं जा रहे होंगे तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखेगा आपको काफी हेल्प मिलेगी अपनी ट्रेडिंग स्किल इंप्रूव करने में और अपने लिए सही सही स्टॉक्स पाने में डिस्क्रिप्शन दिस में आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा आप हमें कॉन्टैक्ट जरूर कर लीजिएगा अगर आप भी चाहते हैं आपको फोर टू सेवन की रेंज में स्टॉक्स चाहिए मॉर्निंग में मैं व्हाट्सएप पर प्रोवाइड करता हूँ जिनमें मिनिमम आपको टेन पॉइंट्स का जो अर्निंग है वो हो ही जाती है टेन पॉइंट्स की अर्निंग बोल रहा हूँ मैं अब ये इन्वेस्टमेंट के हिसाब से अपनी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से आप लगा सकते हैं कि आपको कितना प्रॉफिट हो सकता है ज्यादा टाइम वेस्ट करते हुए वे सबसे पहले हम बात कर लेंगे आज के स्टॉक्स की जो मैंने आपको प्रोवाइड किए थे 400 टू 700 की रेंज में टेलीग्राम चैनल में और यूट्यूब चैनल में और उसके बाद मैं आपके लिए कल के लिए जो स्टॉक्स अच्छे होने वाले हैं उनकी मैं बात करूंगा तो सबसे पहले हमारा स्टॉक था ऑल स्मॉल फाइनेंस बैंक तो इसमें हमने आपको दिया था इसे बाय करने के लिए टू हंड्रेड पे हमने इसे बाय करने के लिए बोला था यानी कि इस लेवल पे हमने आपको इसे बाय करने के लिए बोला था और उसके बाद जो हमारा थर्ड टारगेट प्राइस था वो था 1230 का यानी कि यहाँ पे यानी कि तीनों टारगेट प्राइस इजीली अचीव होकर आपको मिल गए थे इसमें कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आई अगला था हमारा सिम्फोनी सिम्फोनी का देखिए टारगेट और तो स्टॉप लॉस जो है वो एक्सचेंज हो गया था बट इतना समझदार आप खुद हैं कि खाली नाम के आगे अगर छोटा प्राइस लिखा हुआ है और जो है टारगेट ऊपर नीचे हो गया तो आप अपने ईजिली समझ सकते हैं कभी कभार हो जाती है मिस्टेक तो सिम्फोनी में हमें इसे बाय करके चलना था लगभग लगभग इस लाइन पे 78 पे देखिए मंडे को ज़्यादातर जो स्टॉक है वो गैप अप ओपन होते हैं आज जो हमारे स्टॉक्स थे वो नहीं हुए गैप अप के अकॉर्डिंगली ही थोड़ा बहुत एडजस्ट करना पड़ता है तो इसलिए स्टॉक्स जो थे उनकी प्राइस रेंज मैंने ऊपर रखी थी हालांकि जो मेरे स्टॉक्स हैं उनमें से एक या दो स्टॉक ही गैप अप ओपन हुए बाकी नहीं हुए अच्छी बात है गैप अप ओपन नहीं होगा तो आपको भी ईजी होगी ट्रेड करने में तो यहाँ पे था हमारा बाय का और यहाँ पे हमारा फर्स्ट टारगेट प्राइस अचीव हुआ अब जैसे मैंने आपको रूल बताया पहला टारगेट प्राइस अचीव होती है आपको स्टॉप लॉस शिफ्ट करना है फर्स्ट टारगेट प्राइस पे तो उसका आपको यहां पे फायदा पा होगा आपने यहाँ पे जो है आपको बाय साइड में एक प्रॉफिट एक बार प्रॉफिट मिल गया होगा दूसरी बार भी अगर आपने यहाँ पे ट्रिगर हुई थी तो यहां पे भी आपको दूसरी बार प्रॉफिट मिल गया होगा उसके बाद शॉर्ट सेलिंग साइड के हमारे तीनों टारगेट प्राइज यहाँ जाके ईजिली अचीव हो गए थे और जो है हमारे दो टारगेट एट प्राइजी लास्ट में भी यहाँ पे अचीव हो गए थे सब बोलते हैं जितनी बार लेवल ब्रेकआउट होगा यानी कि दो या तीन बार लेवल ब्रेकआउट होगा आप बाय शॉर्ट सेल कर सकते हैं एक कर दिया उसके बाद दोबारा कर सकते हैं ऐसा होता ना कि जब आप शिफ्ट करते हैं अपना फर्स्ट टारगेट प्राइस पे कई बार ऐसा होता है कि जो है स्टॉक फर्स्ट टारगेट प्राइस पे होल्ड लेता है थोड़ा नीचे आता है फिर ऊपर से दोबारा से बढ़ता है तो जब नीचे आएगा तो आपका स्टॉप लॉस हिट होगा और दोबारा ऊपर बढ़ेगा तो आप उसे बाय करके दोबारा से अपनी जो ट्रेड है उसे कर सकते हैं प्लस स्टॉक मैंने आपको दिया था, था, था बी ई एम एल जो कि गैप अप ओपन हुआ ये इसका जो क्लोजिंग प्राइस थी प्रीवियस क्लोज चार्ट के हिसाब से वो थी थर्टीन हंड्रेड फिफ्टी फाइव अप्रॉक्स समथिंग पे और जो आज की इसकी ओपनिंग हुई है वो हुई थर्टीन हंड्रेड एटी नाइन या फिर नाइनटी मान लीजिए तो यहाँ हमारे एमजील एमजीएल में मैंने एक मिनट का टाइम फ्रेम रखा है क्योंकि काफी लोगों को इसमें कंफ्यूजन होगी अगर मैं फाइव मिनट का टाइम फ्रेम रखूंगा उन्हें लगेगा कि गैप अप ओपन हुआ उसके बाद इसने इसमें गैप रिफिल नहीं किया देखिए गैप रिफिल की कंडीशंस मैंने आपको बताई है बाइंग और शॉर्ट सेलिंग प्राइस के बीच में एक मिनट का होल्ड तो ये तो था देखिए पहला मिनट आप छोड़ेंगे दूसरे मिनट में इसने अपना गैप रिफिल किया हमने आपको बाय करने को बोला था इस लाइन में तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो पहले मिनट दो मिनट का इसने होल्ड लिया पहले मिनट में नीचे आया फिर उसके बाद दूसरे मिनट में आपको अप डाउन किया और हमारा लेवल ब्रेकआउट किया तो जब लेवल ब्रेकआउट हुआ एक मिनट का होल्ड तो आपका हो गया था आप ईजिल इसे बाय कर सकते थे यहाँ पे आपने बाय किया होगा तो यहाँ जाके आपके दो टारगेट प्राइस तो इजीली अचीव हो गए वो हंड्रेड टू सेवन हंड्रेड की रेंज में मैं स्टॉक्स बता देता हूँ आपको सबसे पहले ये बता दू कि ये जो मैंने स्टॉक्स दिए थे आखिरी के ये मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पर दिए थे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन जरूर हो जाएगा क्योंकि मॉर्निंग में दो कल समय प्रोवाइड करता हूँ पहला था हमारा टाटा स्टील टाटा स्टील की अगर हम देखें तो देखिए स्टॉक में मूवमेंट अच्छी थी बट इसने क्या करा कि आ, हमारा जो फर्स्ट टारगेट प्राइस था उसके करीब करीब ही रखा तो हमारा जो हमारा जो बाइंग लेवल था वो था इस लाइन पे इस लाइन पे बाइंग लेवल था पहला जो यहाँ से गया उसके बाद इसने हमारा फर्स्ट टारगेट प्राइस अचीव किया आपने स्टॉप लॉस शिफ्ट किया होगा या उससे नीचे आया होगा यानी कि आप ट्रेड से बाहर आ गए होंगे फिर दोबारा से यहाँ पे आके इसने हमारे जो है आ, बाई की जो कॉल थी वो फिर से इसमें लगी आपने बाई किया होगा और यहाँ जाके इसने एक ही टारगेट प्राइस अचीव किया दो बार किया बट एक ही टारगेट प्राइस अचीव किया उससे ऊपर ये बढ़ा नहीं कोई बात नहीं कभी कभार होता है स्टॉक नहीं दे पाता मूवमेंट इसीलिए पहला टारगेट प्राइस मैं हमेशा स्मॉल रखता हूँ अगला था हमारा DBL DBL की मैं बात करूँ तो इसमें जो था हमारा ना बाइंग साइड की और ना शॉर्ट सेलिंग साइड की दोनों साइड की हमारी कॉल जो है एक्टिवेट नहीं हो पाई है अगला था हमारा इंटेलेक्चुअल इसमें एक्चुअली में हुआ क्या कि इसमें हमारे बाइ साइड के दो टारगेट वाइज यहाँ जाकर इजिली अचीव हो गए थे आ, पहले तो ये स्टॉक गैप अप ओपन हुआ था गैप अप ओपन के बाद डाउन आया इसने गैप रिफिल किया और यहाँ पे हमारा बाई साइड के दो टारगेट प्राइस इजीली अचीव कर लेते थे यानी कि टेन पॉइंट्स इसमें भी आपने इजीली अर्न कर लिया जो मैं वादा करता हूँ कि मिनिमम टेन पॉइंट्स तो आप अर्न कर ही लेंगे हालांकि देखा जाए तो उसके बाद ये फ्लैट ही चला जाता इसने अप एंड डाउन किया नहीं आखिरी स्टॉक था हमारा इसमें हमें हुआ क्या हमें इसको यहाँ पर बाय करके चलना था यहाँ पे इस इस पॉइंट पर आपने इसे बाय किया होगा फाइव हंड्रेड ट्वेंटी टू पर और इसने अपना हाई बनाया फाइव हंड्रेड थर्टी वन पॉइंट फाइव जीरो समथिंग यानी कि थर्टी टू हमारा जो था सेकंड टारगेट प्राइस तो आप डिस्क्रिप्शन तो 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 में व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा कभी कभार होता स्टॉक्स मूवमेंट नहीं देते वैसे जनरली मिनिमम आपको टेन पॉइंट मिल जाते हैं आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मिलेगा हमें कॉन्टेक्ट जरूर कर लीजिएगा तो चलिए ट्वेंटी थर्ड मार्च टू थाउन्न ट्वेंटी वन की कॉल्स की हम बात कर लेते हैं सबसे पहला स्टॉक जो हमने आपके लिए चुना है वो है अडानी इंटरप्राइजेस इसमें काफी अच्छा इसमें मूवमेंट देखने को मिला और ये वैसे भी काफी अच्छा मूवमेंट आपको देखे जाता ही है जब ये छोटा स्टॉक था यानी कि फोर तो हंड्रेड टू सेवन हंड्रेड के रेंज में अक्सर मैं ये स्टॉक्स प्रोवाइड किया करता था बट अब ये बड़ा हो गया तो मैं ये आपको भी दे रहा हूँ तो बाई आप करके चलेंगे इसे नाइन नाइनटी एट पॉइंट फाइव जीरो पे एक्जैक्ट नाइन नाइनटी एट पर आप इसे बाई नहीं करेंगे ये चीज ध्यान से सुन लेंगे जो चीज़ मैं बता रहा हूँ क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है नाइन नाइन्टी एट के बाद जो है आने के बाद स्टॉक जो है नीचे जा जाता है कभी तो आप इसे बाय करके चलेंगे नाइन पे एट पॉइंट फाइव जीरो पर जब लेवल ब्रेकआउट हो जाएगा नाइन एट का तब तो आप इसे बाय करेंगे टारगेट रहेगा थाउजेंड एंड थ्री थाउजेंड एंड टेन और थाउजंड एंड ट्वेंटी का, का। फर्स्ट टारगेट जो स्मॉल क्यू रहेगा अगर स्टॉक मूवमेंट ना दे पाए तो भी आपका एक नए टारगेट इसलिए पहला टारगेट प्राइस हमेशा स्मॉल रहेगा लॉस रहेगा नाइन एटी नाइन का शॉर्ट सेलिंग का लेवल रहेगा आपका नाइन एटी सेवन का टारगेट प्राइज रहेगा आपका नाइन एटी टू नाइन फाइव और नाइन सिक्सटी फाइव का स्टॉप लॉस रहेगा आपका नाइन नाइनटी सिक्स का और जो हमारा साइड का स्टॉप लॉस है वो कैसे हिट होगा नाइन एटी एट पॉइंट फाइव जीरो पर आपका स्टॉपलस हिट होगा एक्जैक्ट नाइन एटी नाइन पे नहीं हिट होगा क्योंकि इस वैल्यू पे आने के बाद कभी कभार वैल्यू ऊपर बढ़ जाती है शॉर्ट सेलिंग का आपका एसेल हिट होगा नाइन नाइनटी सिक्स पॉइंट फाइव जीरो पे और शॉर्ट सेल करके चलेंगे आप नाइन एट्टी सिक्स पॉइंट फाइव जीरो पे एक्जैक्ट नाइन एटी सेवन पे इसे शॉर्ट सेल भी नहीं करना है डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा वाट्सअप नंबर मिल जाएगा आप हमें कॉन्टैक्ट जरूर कर लीजिएगा अगर आप भी चाहते हैं आपको फोर टू सेवन हंड्रेड के रेंज में स्टॉक्स चाहिए जिनमें की एक्यूरेसी भी ग्रेटर हो और आपका जो है फोर टू सेवन हंड्रेड के रेंज में स्टॉक्स हो तो आप हमें कांटेक्ट जरूर कर लीजिएगा बाकी टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन जरूर हो जाएगा क्योंकि मॉर्निंग में दो कॉल्स में वहीं पे दूंगा आखिरी स्टॉक जो मैं हमने आपके लिए सुना है वो है एच जी एस जैसे आप बाय करके चलेंगे लेवल ब्रेकआउट हो जाएगा थर्टीन हंड्रेड एटी फोर का टारगेट रहेगा थर्टीन हंड्रेड नाइनटीट फोटी हंड्रेड टू और फोटी हंड्रेड फिफ्टीन का स्टॉपलस रहेगा आपका थर्टीन हंड्रेड सिक्सटी एट जो रूल्स मैंने आपको पहले बताए वही रूल्स यहाँ भी अप्लाई होंगे वही वो व्हाट्सएप में भी अप्लाई होंगे गैप अप ओपन होता है तो आप क्या करेंगे वेट करेंगे लेवन हम तक उसके गैप रिफिल होने का गैप रिफिल हो जाएगा गैप रिफिल कैसे होगा एक मिनट का होल्ड लेगा बाइंग और शॉर्ट सेलिंग प्राइस के बीच में कहीं पर भी और अगर स्टॉक जो है गैप अप ओपन होने के बाद डाउन ट्रेंड में है तो पहला लेवल ब्रेकआउट आप छोड़ेंगे बाई साइड का स्टॉक गैप डाउन ओपन हुआ है और अप ट्रेंड में है तो पहला लेवल ब्रेकआउट छोड़ेंगे आप शॉर्ट सेलिंग साइड का ये चीज़ क्लियर रखिएगा बाकी तो ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं आपको अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा इस वीडियो को जितना हो सके शेयर जरूर कीजिएगा लाइक कीजिएगा कमेंट कीजिएगा मिलते हैं आपको अगली वीडियो के साथ तब तक के लिए धन्यवाद